सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। आज का पंचांग 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 8:16 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 8:18 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मीन राशि 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको इसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति लेनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ेगा, इसीलिए आपको सोच समझ कर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। आपके काम व्यवस्थित रूप से पूरे हो जाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिकतर समय व्यतीत होगा। आप बहुत ही सुकून और शांति महसूस करेंगे। युवाओं को कोई करियर संबंधी शुभ सूचना भी मिल सकती है। काफी हद तक बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार घट रही है, फिर भी आपके मन में बढ़ रहे लालच की वजह से कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। पैसों से संबंधित किए गए व्यवहार सफल साबित होंगे। काम करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित बड़ा अवसर आपको जल्द ही प्राप्त होगा। पार्टनर्स में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा। सेहत में सुधार नजर भी आ रहा है। सावधानियां, दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी रहेगी, इसलिए ज्यादा बहस में ना उलझें और अपने गुस्से पर काबू रखें। घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल ना करें। बैंकिंग के कामों को स्थगित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार के लिए कुछ समय जरूर निकालें। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना जरूरी है। आप थोड़े समय चलने वाले अस्थायी किस्म के संबंधों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब आप में भी सच्चा प्यार पाने की इच्छा जाग उठी है। आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है या आपके सच्चा रिश्ता बनाने के रास्ते में बाधा का काम करता है। अपने मूड के बदलावों पर नियंत्रण रखें और बहुत जल्द आपको किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का साथ मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जांच करें। आपको नौकरी से संबंध में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आपको आज मिल सकती है या निवेश के किसी भी प्रकार के लिए एक शुभ दिन है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सौदे के लिए अनुकूल है। बिजनेस में कोई समस्या आने पर तुरंत आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग भी मिलेगा। अपनी मेहनत के मुताबिक बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। स्टाफ तथा सहयोगी अनुशासित रहेंगे। ऑफिस में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार भी आ सकता है। कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत लोगों को अधिक अनुकूलता का अनुभव भी हो सकती है। नौकरी संबंधित साक्षात्कार के मामलों में लाभ हो सकता है। दूसरों के विवाद में ना पड़े, स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही ना करें। सावधानियां, स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखें। दिन की शुरुआत साधारण होगी, लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो योग कर रही हैं उसका असर स्पष्ट दिखाई देगा।
दिन के आखिर तक आप खुद की आध्यात्मिक मानसिक परत से जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयाँ ना खाएं, इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। आज का उपाय, आज अब भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।